इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के लिए, और हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा, इस लाइक को भी दबाएं हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों, मैं पंकज दवानिया आज पार्ट टू में आपके लिए ये लाया हूँ होंडा जनरेटर जो साइलेंट था कनोपी में। इसको हम आज खोलेंगे और पार्ट वन में गिर चुका हूँ कि हमने साइलेंट जनरेटर में से ट्रॉली में से कैसे निकाला, इसे क्या क्या चीज़ हटाई है, किस तरीके से हटाई है, तो क्या क्या हमें ध्यान रखना है। तो आप पार्ट वन देख सकते हैं जो आपको उसके बारे में भी देखना है। तो इसको हम इंजन को खोलेंगे एक चीज़, तो आप देखें कार्बोरेटर के आगे एक पैकिंग लग रही है और जो प्लेट है जिसमें हमारा चौक का तार होता है वो फंसता है। तो ये देखें कार्बोरेटर हमारा पूरा निकल गया है। तो जो नट है आपको ध्यान रखने हैं कहाँ से कौन से खोलने हैं। जो आप मिस्त्री हो और आपको आता है थोड़ा बहुत, तो इस तरीके की चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ हम कहाँ से खोलने हैं, तो उसी चीज़ को आप जब भी फिट कर पाओगे, और अन्य आप नहीं उसे फिट करोगे क्योंकि जो चीज़ जहाँ से खुली है वो आप बाद में भूल जाओगे और उसके बाद नहीं फिट कर पाओगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो अब हमने कार्बोरेटर निकाल लिया, अब उसका पंखा निकालेंगे। पहले कवर खोल लेते हैं, तो देखिए 10 नंबर की गोटी से कवर खोल लेते हैं हम। इसके चारों तरफ के सारे बोल्ट खोल लेने हमें, जो भी बोल्ट इसमें लग रहे हैं। कार्बोरेटर की प्लेट भी हमने खोल लिए, देखे तो इसके सारे बोल्ट हम खोल लेते हैं जो भी लग रहे हैं इसमें। तो इसको हम खोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है किसी चीज़ में हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करना, और जहाँ पे करना है वहाँ जो टूटने की जगह ना हो। तो देखिए हमारे सारे बोल्ट खुल गए फिर भी हमारा कवर नहीं निकल रहा, तो हम इसे खोल के देखते हैं किस वजह से नहीं निकल रहा। तो हम पैच का, क्योंकि ये सब चीज़ ढीली होती है बोल्ट खुलने के बाद, एल्यूमिनियम का सेट होता है, तो हमें हल्का सा पैचकस का जो लगा सकते हो खुलेगा ठीक है, नहीं तो कुछ और कारण होगा। तो ये देखें यहाँ पे एक बोल्ट और लग रहा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि मैंने जो दिखाई दे रहा है वो एक खोल लिया और उसके बाद कोई भी पेच नहीं है। तो एक यहाँ लंबा पेच लग रहा है, ये देखें जब ये हमारा आराम से खुल गया, तो आप देख सकते हैं आपको किसी चीज़ में ज़्यादा जोर नहीं लगाना, आराम से हर चीज़ खुलती है। पर आपको देखना है कि कहाँ किसने पकड़ रखा है उसे और कहाँ अटका हुआ है। तो ये देखें अब इसके कोयल खोल लेते हैं, और जब पंखा बाहर निकाल के इसका अल्टरनेटर भी बाहर निकालते हैं। तो देखें इसको खोलते हैं, इसका पंखा खोल लेते हैं ऊपर का। ये देखें ये 2 वोल्ट लग 10 नंबर के खोले हमने, पंखा बाहर हो गया। इसका साइलेंसर है और साइलेंसर भी खोल लेते हैं। साइलेंसर के जो भी बोल्ट लग रहे हैं 10 नंबर के लगते हैं, ज़्यादातर हैंड में लगते हैं 12 के। तो देखें साइलेंसर का बोल्ट खोल लेते हैं, ये प्लेट व्लेट सब हटा लेते हैं। तो देखें सारा जो भी बोल्ट है आपको ध्यान से खोलने हैं, और कहाँ कहाँ से क्या क्या खोला आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है। जो आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ये चीज़ें ध्यान रखने के लिए होती है, क्योंकि मिस्त्री का काम ही होता है जो चीज़ जहाँ से खोलो वो वहीं लगानी होती है, क्योंकि हर चीज़ याद रखनी पड़ती है कहाँ से हमने क्या खोला था, या कौन से बोल्ट लगे थे छोटे या लंबे। इसमें कुछ होते छोटे होते और कुछ होते लंबे, तो वो उसके हिसाब से हमें लगाने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो हमने जो जो बोल्ट खोले हमने उसके बोल्ट वो वही वही पे जो लगा दिए, क्योंकि जो जगह हो रही थी। तो देखे इसका हमने नट बीच का खोला और इसको निकाल दिया। हर वीडियो में दिखाते हैं किस तरीके से निकलता है, इसके अंदर चोट मारते हैं हल्की सी और जो बाहर निकल जाता है। इसमें मैग्नेट लगी हुई है, और यह है इसका अल्टरनेटर जो करंट बनाता है हमारा, कुछ इसमें इस तरीके का है, किसी में लंबे तरह का होता है, इसमें इस तरीके का मैग्नेट वाला अल्टरनेटर। तो
तो आपको देखने को मिला होगा जो अल्टरनेटर है इसमें मैग्नेट वाला है, मैग्नेट में तो देखें जो परमानेंट मैग्नेट होती है ये उस पर अल्टरनेटर काम करता है। अब उसके हम होजिंग के बोल्ट खोल लेते हैं और फिर देखते हैं जाम किस वजह से हुआ था। सब मोबिल ख़त्म हो गया था तो हमने इन्हें बोला था कि क्रैंक इसकी सीज मार गई है, तो हम देखते हैं इसके सीआर देखते हैं, कनेक्टर रोड चेक करते हैं कि हमारे ये कनेक्टर रोड जाम है नहीं जाम है। तो देखें अब हमने इलाके देखी तो कनेक्टर रोड जाम है जिसकी वजह से हमारी क्रैंक जाम हो रही है, तो इसको हम खोल लेते हैं जिसका होजिंग है 65 इसमें बैरिंग लग रहा है। तो देखें इसको अब हम खोल लेते हैं जिसके कनेक्टर रोड के बोल्ट है वो हम निकाल लेते हैं, और बोल्ट खोलने के बाद हम क्रैंक को देखेंगे और कनेक्टर रोड को देखेंगे कि उसकी कैसी हालत है, किस वजह से सीज हुआ है, किस वजह से क्या हुआ है। एक तो इसका ऑयल जो ऑयल अलर्ट तार था वो टूटा हुआ था, उसकी वजह से ये फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि जब उसमें मोबिल ख़त्म हो गया तो ऑयल अलर्ट नहीं दिया और ऑयल अलर्ट नहीं मिला तो ये बंद हो गया, क्योंकि इसमें चूहे घुस गए थे और उसकी वायरिंग काट दी थी। तो ये देख सकते हैं आप, इसका हमने कनेक्टर रोड निकाल ली और इसकी कनेक्टर रोड जो कटी हुई है, क्रैंक भी हमारी कट रही है, तो इसको हम देखते हैं कितने नंबर पर आएगा और जो हमारा सब ग्रैंड होगा, और उसके बाद हम आपको इसको बांध के दिखाएंगे किस तरीके से बंधेगा। इसके हम ऊपर टैपिट की कवर खोल लेते हैं और फिर टैपिट खोल के आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखे दोस्तों हमने टॉप प्लेट की ऊपर कवर खोल लिया, इसमें चिड़िया है ये जो हमारे वाल को ऊपर नीचे करती है, तो इसे हम खोल लेते हैं। अब नीचे से हमने वो निकाला कैम शाफ्ट, निकालने के बाद नीचे देखे इसमें सिलाई लगी हुई है, कुछ इस तरीके की सिलाई है इसमें। बॉडी गार्ड हटा ली हमने, जो सिलाई हम निकाल लेते हैं क्योंकि कोई तिरछी ना हो जाए, क्योंकि हर सामान महंगा मिलता है, तो इसलिए मैंने आराम से निकाल ली। अरे आप देखें जो हेड निकाला हमने, इसके वाल कैसे हो रहे हैं और इसकी जो बॉडी गाइड है इसका भी ध्यान रखना है आपको, कोई खोए ना, कई बार खो जाती है और फिर हम लाना भूल जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो देखें हमारा हेड भी उतर गया और पिस्टन भी हाथ में आ गया हमारे, तो देखें पिस्टन मोबिल ख़त्म होने की वजह से किस तरीके से सारा कट गया, चिपक गया इस पर, और ये जाम इसी वजह से हुआ है, मोबिल ख़त्म हो गया, चिपक गया। तो हम ये देखें ये कितने का है, ये स्टैंडर्ड पे आ रहा है और पिस्टन भी नया डलेगा, रिंग भी नया डलेंगे, तो इसको हम खराद पे बेचते हैं और जो खराद या नंबर बताएगा और उसमें वो सामान डलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम आपको चेक करा के दिखा देते हैं एक बार कि किस तरीके से हमें पता चला कि कटा हुआ है, और आपको इसका सारा सामान सही तरीके से रखना है जिससे कि कोई दिक्कत ना आए, नहीं तो फिर आपका ये कोई तारवा इधर से उधर हो गया तो फिर आपका ये चलेगा नहीं, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा और आपको प्रॉब्लम रहेगी करंट नहीं बनाया तो इनने, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखें। इसका अल्टरनेटर भी खोल के एक तरफ रख दें संभाल के, एलकी के 4 बोल्ट लगेंगे इसमें, उससे ये अल्टरनेटर लगेगा। तो हम देखते हैं पिस्टन कितना लूज है, तो देखें पिस्टन में कैप दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें गैप हैगा, तो इसको हम ग्रैंड करा ही लेते हैं क्योंकि कभी एक बार खुला है उसके बाद दोबारा ऑयल अलर्ट का कटेगा तो ही खुलता है, तो ये नहीं खुलेगा। तो देख ठीक है दोस्तों, ये इसके
हमने वॉल की स्प्रिंग निकाल ली और उसको हम ग्राइंड के लिए भेजते हैं। देखिए इसमें कोई वो नहीं है, और जो दूसरा है उसमें नीचे कैप लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं जो एक तरफ खाली है और एक तरफ कैप लगी हुई है। कैप की साइड हमारा कार्बोरेटर था, तो इस चीज़ का आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है एक एक को कि किस तरफ क्या है क्या नहीं। तो यही चीज़ हमारी ध्यान करने की होती है, बाकी फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे क्या था। ठीक है जी, तेल बाल लोग आपको संभाल के रखने हैं क्योंकि चीज़ें खो जाती हैं, बारीक बारीक चीज़ें हैं, तो आप मार्केट से दौड़ते रहोगे कि अब ये रह गया अब वो रह गया, पहले फेंक दोगे और फिर इसके बाद